मटन पुलाव की बहुत ही टेस्टी और आसान रेसिपी आज मैं आपके लिए लाई हूँ। बहुत ही जबरदस्त बनेगी, हर कोई इसे आसानी से बना सकता है और आने वाली ईद पर इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। तो चलिए आज की मजेदार मटन पुलाव की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप पकवानी कोठी रेसिपीज को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मटन पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 गिलास बासमती राइस ले लिए हैं। ये लंबे वाले चावल जो रहते हैं वही लिए यूज किए हैं, इससे मटन पुलाव बहुत अच्छा बनेगा। तो हम चावल को अच्छे से 2 से 3 मर्तबा अच्छे से धो लेंगे। चावल को अच्छे से मैंने धो लिया है, इसमें डालेंगे पानी और पानी डालकर इसको आधे घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे ताकि चावल हमारे अच्छे से सोख हो जाए, मटन पुलाव खिला खिला बने। चावल को रख देते हैं साइड में। यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, इसमें डालेंगे फ्रेश मटन 1 किलो, ये विद बोन है। एक सारी प्याज डालेंगे, एक लहसुन डालेंगे सारा, 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे और थोड़े लेंगे सूखे मसाले, तेजपत्ता, जावित्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, बादियन का फूल और चक्का लेंगे। साथ ही डालेंगे 1 चम्मच शाजीरा, 1/2 चम्मच साबुत काली मिर्च, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया, साबुत धनिया है 1/2 चम्मच लिया है। साथ में डालेंगे 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा डाल देते हैं और 3 गिलास पानी डालेंगे। क्योंकि हमने 2 गिलास चावल लिए हैं इसके लिए हम 3 गिलास पानी डालेंगे और इसे ढककर 5 से 6 विजल आने तक पकाएंगे। 1 विजल आने के बाद फ्लेम को कम कर दें। इसको पकने के लिए एक छोड़ देंगे। यहाँ पर लेंगे एक बड़ा सा पॉट, इसमें डालेंगे 2/2 चम्मच घी। घी को आप जरूर डालें, इससे बहुत अच्छा और टेस्ट आएगा पुलाव में। और लेंगे यहाँ पर थोड़े साबुत मसाले, लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और एक तेजपत्ता डालेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे एक बड़ी सी प्याज जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है। ऑनियन को खड़े मसाले के साथ गोल्डन होने तक भून लेंगे। अच्छे से फ्राई करते जाएं, फ्लेम को थोड़ा कम रखें ताकि ये घी जो डाला है वो ज़्यादा जले भी नहीं। ये हमारी ऑनियन अच्छे से गोल्डन हो चुकी है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारी प्याज जो है वो काली ना पड़ जाए और इसकी कुकिंग प्रोसेस थोड़ा सा स्टॉप हो जाए। और इस तरह करने से पुलाव में एक अच्छा सा कलर भी आएगा और ये जो प्याज है वो भी सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक के पेस्ट को ऑनियन के साथ अच्छे से भून लेंगे, इसमें बढ़िया सी खुशबू आने लगेगी। ये मैंने ऑनियन को जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ अच्छे से भून लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी भर के दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, अच्छे से फेंट करके ऐड करेंगे। ये मैंने दही थोड़ा खट्टा लिया है ताकि पुलाव में अच्छे से टेस्ट आए। तो दही को अब प्याज के साथ थोड़ी देर तक भून लेंगे। थोड़ा सा दही पक जाए तो इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच नमक। नमक डालकर और थोड़ी देर तक पकाएंगे जब तक कि इसका जो ऑयल है वो सारा सेपरेट ना हो जाए। लगभग 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको कुक किया है। अब ये ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। साथ ही यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, ये देखिए मटन हमारा अच्छे से पक चुका है। इसमें जो प्याज और लहसुन है उसको हम निकाल लेते हैं ताकि हम इसे बाद में ऐड कर सकें। ये देखिए अच्छे से मटन गल चुका है, मटन के पीसेस भी हम निकाल लेंगे और ये जो पानी है उसको हम छान लेंगे। ये मटन का यखनी पुलाव बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये देखिए इसमें जो भी इसमें हमने डाले हैं वो सारे बड़े बड़े चीजों को हम हटा देंगे और ये जो पानी है उसको हम छान लेंगे। मटन जो हमने निकाल लिया था इसको हम ऐड कर देते हैं इसमें, और जो लहसुन है उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मटन को मसालों के साथ अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए और जो पानी है दही का वो सारा सूख ना जाए। लगभग 5 मिनट तक मैंने मटन को कुक किया है, आप देख सकते हैं सारा दही अच्छे से सूख चुका है और इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने छान के रखा है अखनी मटन का वो इसमें डाल देते हैं। साथ ही इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। अगर आपका दही ज्यादा खट्टा है तो आप नींबू को स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही मैं इसका छिलका भी इसमें ऐड कर दूंगी, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब ढककर इसको एक बॉईल आने देते हैं। ये देखिए अच्छे से बॉईल होने लगा है। ये जो सोक करके हमने चावल रखे हैं ये इसमें ऐड कर देंगे। आप चावल इसमें कोई भी ले सकते हैं, छोटे वाले भी ले सकते हैं या लंबे वाले बासमती राइस भी ले सकते हैं।
इससे भी आपका पलाव बहुत अच्छा बनके तैयार होगा। एक बार आहिस्ता से इसमें चम्मच चला देंगे। अगर लगे कि आपको पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं और चखकर इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो अब ढक देंगे इसको और पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा पलाव बनके तैयार है। इसमें जो नींबू है उसको हम हटा देंगे। बहुत ही बढ़िया पलाव बनके तैयार होता है। आखिर में हम डाल देंगे इस पर मिर्ची, हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ढककर ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट होने के बाद ही इसे सर्व करें। ये देखिए कितना खिला खिला, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार हमारा मटन पलाव बनके तैयार हुआ है। अगर आपको ज्यादा तीखा चाहिए तो ऊपर से आप थोड़ी सी इस पे चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैंने इस पे थोड़ी सी तली हुई प्याज से इसे गार्निश किया है। ये देखिए गोश्त भी हमारा कितना अच्छा सा गला हुआ है, इस तरह से देख सकते हैं आप। आने वाली बकरीद पर इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगी और सारी फैमिली वाले इसे बहुत एंजॉय करेंगे। और हाँ, इसका टिप ये है कि आप मटन को बहुत ही अच्छे से गलाएं, तभी इसका मजा बहुत दुगना लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और मैं मिलूंगी आपको एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।